करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 27 फरवरी 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। टू बिगिन विथ, इंडियन सेंट्रल बैंक दैट मींस आरबीआई लिफ्टिंग कर्व ऑन फॉरेक्स नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड आर्बिट्रेज बाय बैंक्स। लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में ये एनडीएफ रिलेटेड आर्बिट्रेज को बैन किया हुआ था just to curb the volatility in dollar. So currently there is no arbitrage, but arbitrage agar hota bhi to banks couldn't use the arbitrage between the onshore and the offshore market. Iska relevance at the moment kuch hai nahi, but it says a lot about the RBI's approach to rupee volatility. Itne din, means second half of 2023 se abhi tak ke liye, they kept the dollar rupee in a very narrow range and they were 200% successful in curbing the volatility. Abhi ये जो न्यूज है एट करंट, आज के दिन में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि आज के दिन में आर्बिट्रेज ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ग्रेजुअली अगेन जब जब कुछ डोमेस्टिक या ग्लोबल न्यूज रिलेटेड वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा इन एनडीएफ मार्केट एंड उसका इंपैक्ट हमारा ऑनशोर मार्केट में भी देखा जाएगा, पहला वाला। दूसरा वाला means the central bank wants little bit of shift in the dollar rupee range, jiske karan ye curb withdraw kiya gaya. Theek hai, to pehle aate hain aapka dollar index. So dollar index currently trading at your 103.78. कल के दिन में हल्का सा सॉफ्टनेस देखा गया डॉलर इंडेक्स पे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि कुछ मेजर हो जाए। सो यहाँ पे अगर हम वीकली एंड डेली आरएसआई को देखेंगे, बोथ आर इन बिटवीन 40-60, सो रेंज बाउंड, ज्यादा कुछ मींस वन साइडेड डायरेक्शंस नहीं रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा अप एंड डाउन का, लेकिन वन साइडेड ट्रेंडेड मूव वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन करंट सिनेरियो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा डॉलर भी। डॉलर भी करेंटली ट्रेडिंग एट 82.87। अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे डॉलर रुपी का, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है जो हाईस है कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन, व्हेयर इज द बॉटम ऑफ 82.80 लेवल्स इज फिक्स्ड, देयर बाय डॉलर रुपी मूवमेंट जो है श्रिंक हो रहा है, जस्ट लाइक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग श्रिंक हो रहा है, अभी एक ब्लास्ट होने के कगार पे है। अभी ये ब्लास्ट किधर होगा, क्या ये नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, दैट वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज फार एज द, अगर हम देखते हैं कि ये अगर फ्रीली ट्रेडिंग करेंसी होते इस टाइप के कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक शार्प मूव होते पॉसिबली ऑन द लोअर साइड, लेकिन यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स आर हाईली एक्टिव। सो ये जो इनविजिबल हैंड्स का हाईली एक्टिवनेस है एट बोथ एट लोअर लेवल एज वेल एज इन द हायर लेवल्स, सो करेंटली वी विल कंसीडर अबाउट द लोअर लेवल्स, सो 82.80। यहाँ पे दो थ्योरीज हो सकते हैं, एक है कि दे विल कीप ऑन डिफेंडिंग, ये एक assumptions. दूसरा वाला है they may relax the support level. Again they keep on defending the current levels, तो रुपी और further आने वाले दिनों में और shrink हो जाएगा. And जितना भी inflows है that are hitting the market will be well absorbed. Second assumption ये है कि they will try to relax the level because काफी समय हो गया and they have a purpose to allow the currency to trade in a narrow range. If their purpose is solved,
then they may try to recalibrate the levels, support level as well as the resistance levels. In such a case, we need to see, kya ye levels thoda sa niche ke taraf, possibly 82.40 se 82.60 ke taraf allow karte hain ya nahi. So abhi wahi do assumptions ke beech mein, kaun sa assumptions continue hote hain and kaun sa negate hote hain, ye hame aane wale dinon mein carefully monitor karna padega. ये हो गया आपका डॉलर रुपए का. अभी जल्दी से आते हैं जीबीपी डॉलर पे. जीबीपी डॉलर करेंटली ट्रेडिंग एट 1.2677. यहाँ पे आपका जो कल के दिन में एक मॉडरेटली पॉजिटिव मूवमेंट जीबीपी डॉलर में देखा गया, लेकिन रेंज बाउंड है. जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक साइडवाइज चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में भी कल के दिन में एक मॉडरेटली पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमने देखे हैं, बट वही रेंज के अंदर में प्राइस एक्शन से लेट द करेंसी पेयर टू मूव आउट ऑफ द रेंज. तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा यूरो डॉलर. यूरो डॉलर में भी कल एक कंपैरेटिवली पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमने देखे, एक बुलिश मोमेंटम कल के दिन में देखे, लेकिन RSI जो है इमीडिएटली अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 55.50. सो ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट बीइंग द केस, हमें और थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अभी आते हैं जीबीपी यूरो आईएनआर. यहाँ पर भी कल एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया एंड पॉजिटिव डे के साथ क्लोज दिया, पॉजिटिव क्लोज के साथ डे को एंड किया गया इन यूरो आईएनआर. सो हल्का सा पॉजिटिविटी है, लेकिन RSI एट 52.69, सो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इंटैक्ट है. डॉलर इन 50.48, ये आपका 50.50 से 50.80 के बीच में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं. और आज आपका BOJ का डेटा भी है, which I have not seen, क्या डेटा आया है, subject to that one, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए. नेक्स्ट इज येन आईएनआर. इट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट एट द डबल बॉटम लेवल. हमें यहाँ पे प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए फॉर बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस. डॉलर कैंडी वही कंसोलिडेशन में है इन बिटवीन 1.3350 एंड 1.3550. लेट द प्राइस टू कम आउट ऑफ द रेंज. नेक्स्ट इज योर ऑसी डॉलर 0.6550. यहाँ पे एक फिर एक स्विंग हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ आया है. दैट बीइंग द केस, हमें अभी सेकेंड स्विंग हाई को इंतजार था, ये सेकेंड स्विंग है. इस सेकेंड स्विंग को आने वाले दिनों में आगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं, इन सच केस एक पॉजिटिव बिहेवियर, एक अपवर्ड मोमेंटम ऑसी डॉलर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा सीन इज 7.2005. वही यहाँ पे एक रेंज में अटक गया 1.7.2325 ऑन द हायर साइड एंड 7.17 ऑन द लोअर साइड. लेट इट टू कंसोलिडेट हियर. नेक्स्ट इज योर ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट, करेंटली 81.53. कल के दिन में एक पॉजिटिव बाउंस बैक देखा गया फ्रॉम द लोज, रिसेंट लोज, लेकिन वही एक रेंज के अंदर में है. लेट द प्राइस टू क्लियर आउट द रेंज. US 10-year ट्रेजरी 4.276. कल के दिन में US 10-year में भी एक बाउंस बैक देखा गया था, हमें इंतजार था ये जो 16 फरवरी के लो के नीचे सस्टेन करने, 16 फरवरी के लो के नीचे आया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए, रेदर ऊपर की तरफ मूव आउट हो गया. दैट बीइंग द केस, अभी हमें ये कल का लो इज इंपॉर्टेंट. कल के लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच केस हल्का सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. US 2-year ट्रेजरी कल के दिन में रेजिस्टेंस, सॉरी कल के दिन में एक पॉजिटिव बायस देखा गया जो प्राइस एक्शंस को इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुका दिया. अभी सिंस मॉर्निंग यहाँ पे एक सेलिंग देख रहे हैं. सो हमें देखना है ये जो रेजिस्टेंस जोन है कैसे बिहेव करते हैं, क्या यहाँ पे रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं. सो यहाँ पे खुशखबरी यही है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा रुपी जो रेंज ब्रेक का रेंज के अंदर में फंस गया था, उस रेंज से बाहर निकलने का समय आ चुका है. इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी जाके मूवमेंट हो जाएगा. नो, एक
स्लाइट शिफ्ट इन परसेप्शंस आया हुआ है, तो उस जिसके कारण हमें ये लगता है कि डॉलर रुपी में एक रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हैं। अभी देखना है, देखने वाला बात ये है कि ये जो शिफ्ट है क्या ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा सपोर्ट एज वेल एज द रेजिस्टेंस, और क्या ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यही हमें आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन से हमें डिसिफर करने का प्रयास करना चाहिए। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। Wishing you all have a great day ahead. Bye-bye.